पूछा था कपिल ने कि अगर मैं कहता हूं आई एम गुड तो ये मेरी ईगो है या मेरा कॉन्फिडेंस है। कपिल बात बड़ी दूर तक जाती है। हम जिन बातों को गुड और बैड कहते हैं ना, ईगो क्या है कि बाहर से कोई मुझे कुछ दे दे और मैं उसको ही सच मानना शुरू कर दूं, इसी का नाम ईगो है। हम जिसको गुड और बैड, राइट और रॉन्ग भी बोलते हैं, जरा ध्यान से देखो तो कि वो आए कहां से हैं। हमारी गुड और बैड, राइट और रॉन्ग की सारी डेफिनेशंस क्या हमारी है? एक देश में जो राइट होता है दूसरे देश में वो रॉन्ग हो जाता है। यूएस अगर चले जाओ तो वहां एक स्टेट में जो राइट है वो दूसरे स्टेट में रॉन्ग है। एक घर में जो गुड है वो दूसरे घर में बैड माना जाता है। एक धर्म में जो राइट है दूसरे धर्म में रॉन्ग माना जाता है। एक ही घर में, एक ही देश में आज क्या गुड है वो कल बैड बन सकता है। इसी देश में, इसी जमीन पर आज से 200 साल पहले अगर पति मर जाए तो उसके पीछे पत्नी का खुद को आग लगा लेना बड़ा गुड माना जाता था। मंदिर बनते थे ऐसी औरतों के, सती देवी। आज यहां पर कितनी ऐसी बालिकाएं हैं जो पति के पीछे अपने आप को आग लगाना पसंद करेंगी। अधिक से अधिक उसे इतनी अहमियत दी जा सकती है कि मजाक। और चले जाओ इतिहास में ज्यादा नहीं, सिर्फ 200 साल पहले, तो ये मजाक नहीं था, ये बड़ा गंभीर मुद्दा था, नॉर्म था। राजा राममोहन रॉय जैसे लोगों को नाकों चने चबाने पड़े थे इस कुप्रथा को बंद कराने के लिए। मूल बात पर आते हैं कि जो गुड है जो बैड है ये तो बहुत कुछ प्लेस टाइम सिचुएशन डिपेंडेंट चीजें हैं। हमने खुद जाना कहा कपिल कि क्या गुड है क्या बैड है? हमने खुद जाना कहा? अगर मैं खुद ठीक ठीक जानू कि यही बात है तो बस यही बात गुड है, बाकी सारे गुड बैड जो उधारी के हैं वो नकली हैं, उनमें कुछ रखा नहीं है। मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा एक ही चीज गुड है, वो है इसके अनुसार चलना। सिर्फ तुम्हारा अपना होश ही गुड है। और फिर देखी बात बैड भी हुई क्या, तुम्हारी अपनी बेहोशी। बाकी सारे गुड बैड तो बदलते रहते हैं, सब बदलता रहता है। समझ रहे हो? अगर अपने को अपनी नजर से जाना तो सब गुड है। अपने को अपनी नजर से जाना तो फिर दुनिया को भी अपनी नजर से देखोगे तो फिर सब गुड है। वरना ये जितने तुमने राइट और रॉन्ग पकड़ रखे हैं उन राइट रॉन्ग में कुछ रखा नहीं है। बच्चा होता है छोटा, कोई मां नहीं होती जो उसे ये ना बताए कि सच बोलो हमेशा, ये बात गुड है एंड इट इज रॉन्ग टू हर्ट अदर्स। हर बच्चे को ये बताया जाता है ना घर में, इट इज रॉन्ग टू हर्ट अदर्स, इट इज गुड टू बी लविंग केयरिंग। लेकिन दुनिया को देखो अपने चारों ओर की, ठीक ठीक देखो, इट इज फुल ऑफ मर्डरर्स एंड रेपिस्ट। हर बच्चे को बताया जा रहा है कि गुड क्या है और बैड क्या है और राइट क्या है रॉन्ग क्या है, लेकिन दुनिया फिर भी वजह साफ है, जो भी तुम्हें बाहर से बताया जाएगा वो कभी भी पूरे तरीके से तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे एक्शन में उतरेगा नहीं। बच्चा अगर थोड़ा समझदार हो, अगर बिल्कुल ही डल बच्चा ना हो तो वो पलट के पूछेगा जरूर माँ से कि माँ हमेशा सच बोलूं क्यों, तो माँ उसको पूछे जरूर की बात बताएगी। बच्चा अगर वाकई लाइवली है, जीवंत है, तो कहेगा नहीं ठीक ठीक बताओ, मैं क्यों दूसरों को इज्जत दूं, मैं क्यों हमेशा सच बोला करूं। अब मां के पास कोई जवाब नहीं होगा क्योंकि मां ने भी
खुद जाना नहीं है, माँ को भी माँ की माँ ने बता दिया था और उसको किसी और ने, तो नतीजा ये होगा कि बच्चे को डांट डपट के चुप करा दिया जाएगा कि चुप रहो, बस सच बोलना चाहिए, ये अच्छी बात है, गुड है। तो कपिल गुड है कि सच बोलो। अब ऊपर से कोई तुम्हारे ऊपर कितना भी थोपता रहे कुछ, वो तुम्हारे जीवन में नहीं उतरेगा जब तक अपने होश से ना लेंगे। जब अपने होश से खुद जानोगे कि सच का क्या अर्थ है, व्हाट इज मेंट बाय द ट्रुथ, तब फिर बात दूसरी होगी। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट ट्रुथ नहीं है, इंपॉर्टेंट तुम्हारा होश है। इस होश से जब तुम ट्रुथ को जानोगे तब वो जिंदगी में उतरेगा, वरना पट्टी पढ़े रहो उससे तुम्हें कुछ फायदा मिलेगा।